Greetings to all the listeners and viewers of this lesson. This lesson is the third part in the sequence of our parts of speech lesson. ये lesson adverbs पे based है और इस lesson में हम लोग ये देखेंगे कि adverbs exactly क्या होते हैं, किस तरीके से हम उनको classify कर सकते हैं और basically adverbs के जो एक usage होते हैं वो क्या होते हैं, किस वजह से इनका उपयोग किया जाता है और parts of speech में इन्हें count क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्टिव डेफिनेशन में आपको एडवर्ब्स की बता देता हूँ और वो ये है कि एडवर्ब्स जो होते हैं उनसे हमें ये पता पड़ता है कि कोई भी क्रिया कहाँ, कैसे और किस तरीके से और कब हो रही है। तो किन तीन क्वेश्चंस का जवाब देते हैं एडवर्ब्स? एडवर्ब से पता पड़ता है कोई क्रिया कब हो रही है, कहाँ हो रही है और किस तरीके से हो रही है। इस तरीके के जो भी वर्ड्स आप अपने सेंटेंस में देखें जो इन तीन क्वेश्चंस की डिटेल बताएं, तो आप समझ सकते हैं कि वो एडवर्ब्स में से ही एक है। और एडवर्ब्स फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिवाइड किए हैं पांच कैटेगरीज में। फर्स्ट इज़ कंजंक्टिव एडवर्ब, सेकेंड इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर, थर्ड इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी, एंड फोर्थ इज़ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एंड द फिफ्थ वन एडवर्ब ऑफ प्लेस और डायरेक्शन। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, बहुत इजीली ये हमें समझ में आएगा। कंजंक्टिव एडवर्ब, जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ये एक कंजंक्शन भी है, यानी सबॉर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है। कंजंक्शंस अभी तक आप लोगों ने पढ़े होंगे या आगे जाकर आप उसे कवर करने वाले होंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसकी जो एक कैटेगरी है सबॉर्डिनेट कंजंक्शन, दैट इज़ एग्जैक्टली लाइक एडवर्ब्स, कंजंक्टिव एडवर्ब्स। तो हाउ कैन वी सी देम, हाउ कैन वी रिकोगनाइज देम? वी कैन रिकोगनाइज देम वेरी ईजीली। हेयर वी हैव फ्रेम्ड अ फ्यू सेंटेंसेज एंड वी कैन टेक अ लुक ओवर देम एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि वी आर स्टिल कन्फ्यूज, हाउ एवर वी हैव अंडरस्टूड अ बिट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दो क्लॉजेज हैं, वी आर स्टिल कन्फ्यूज ये फर्स्ट क्लॉज है, एंड सेकेंड वी हैव अंडरस्टूड अ बिट। तो इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है हाउ एवर, यानी हिंदी में इसके पूरे सेंटेंस का मतलब निकल रहा है कि हम अभी भी कन्फ्यूज हैं, हालांकि हम कुछ समझ चुके हैं, कुछ कुछ समझ चुके हैं पर हम अभी भी कन्फ्यूज हैं। तो हाउ एवर यहाँ पर एक कंजंक्टिव एडवर्ब के तौर पे फंक्शन कर रहा है। सेकेंड वन इज़ वी आर गोइंग ऑल दो वी आर नॉट एबल टू डिसाइड, हेयर ऑल दो इज़ फंक्शनिंग एज कंजंक्टिव एडवर्ब, क्योंकि ये भी दो क्लॉजेस को ऐड कर रहा है। लास्ट ईयर इट वॉज़ अ हैवी रेन, कंसिक्वेंटली वी कुड नॉट गो ऑन वेकेशंस। तो कंसिक्वेंटली यहाँ पर एज अ कंजंक्टिव एडवर्ब फंक्शन कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि लास्ट ईयर बहुत भारी बारिश थी, इसलिए परिणाम स्वरूप हम नहीं जा सके। तो आफ्टर दैट सॉर्ट ऑफ एडवर्ब, नाउ दिस इज द टाइम ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर, यानी कोई चीज़ किस तरीके से हो रही है, कोई क्रिया कैसे हो रही है, ये पता पड़ता है एडवर्ब ऑफ मैनर से। यानी The sentences that we can see over here, he is reading quickly. तो यहाँ पर reading तो हमारी verb है, हम जानते हैं, लेकिन ये verb कैसे हो रही है, इस verb के होने का nature क्या है, अच्छा है, बुरा है, तेज़ है, धीमे है, कैसे है। तो he is reading quickly. So here quickly is defining that how the verb is taking place. तो वो कैसे पढ़ रहा है, वो जल्दी पढ़ रहा है। She is moving slowly, वो किस तरह चल रही है, वो धीमे चल रही है। He is talking ridiculously. वो किस तरह बात कर रहा है, वो बहुत ही ridiculous तरीके से बात कर रहा है। Snake was slithering rapidly. तो हम देख सकते हैं कि कोई क्रिया कैसे हो रही है वो हमें समझ में आता है adverb of manner से। Now it is the third point, that is adverbs of time or frequency. तो जो भी word आपको आपके sentence में ये बताता है कि कोई क्रिया कब हुई है या कब होगी, तो आप समझ सकते हैं कि वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी के साथ फ्रीक्वेंसी को और इसलिए जोड़ा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी के भी बताने के लिए हमारे पास वर्ड्स होते हैं, जैसे नेवर, ऑलवेज, इस तरीके जो वर्ड्स होते हैं, सेल्डम। तो इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं जो ये बताते हैं कि कोई फ्रीक्वेंसी क्या है या फिर कोई चीज़ कब हुई है, उसको हम इंक्लूड करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी में। जिस तरह आप देख सकते हैं सेंटेंसेस में, आई वेंट स्कूल लेट यस्टरडे, तो ये एक समय से रिलेटेड चीज़ को ही बता रहा है कि मैं कल देर से स्कूल गया था। तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं हमारे सेंटेंस में, ये एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। He always gets good result. तो यहाँ always एक frequency है, यानी हमेशा उसका result अच्छा आता है। I will leave on Monday, यानी Monday को मैं जाऊँगा। He goes to club occasionally, यानी
ओकेशनली वो क्लब जाता है, तो ये फ्रीक्वेंसी है उसकी. नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू द फोर्थ वन, दैट इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. एंड इससे हमें क्या पता पड़ता है, इससे हमें ये पता पड़ता है कि किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी क्या है, उसकी डिग्री क्या है, किस हद तक है. ईजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज किस हद तक है. तो सेंटेंसेस वी हैव रिटन हियर, शी कंप्लीटली फॉरगॉट, यानी वो पूरी तरीके से भूल गई थी अबाउट हर एनिवर्सरी, पूरी तरीके से भूल गई थी, यानी ये पता पड़ रहा है कि पूरी तरह ये एक डिग्री है. आई रीड द न्यूज़पेपर थॉरोली, यानी मैं न्यूज़पेपर को पूरी तरह पढ़ता हूँ. आई एम सो एक्साइटेड, यानी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. रॉबिन हार्डली स्टडीज़, यानी रॉबिन शायद ही कभी पढ़ता है. तो इन वर्ड से आपको ये पता पड़ता है कि कोई भी घटना जो हो रही है, कोई भी क्रिया जो हो रही है, उसकी इंटेंसिटी या उसकी डिग्री क्या है. नाउ देयर आफ्टर इट इज़ द टर्न फॉर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और डायरेक्शन. अब एग्जैक्टली प्लेस और डायरेक्शन के बारे में ही इससे मालूम पड़ेगा. तो कोई भी चीज़ कहाँ है, उसकी स्थिति जियोग्राफिकली क्या है, ये हमें पता पड़ता है एडवर्ब ऑफ प्लेस या डायरेक्शन से. तो जितने इस तरह के वर्ड्स होते हैं, लाइक बोट वॉज मूविंग अक्रॉस द रिवर, वी कैन सी अक्रॉस हेयर. अक्रॉस जो है ये स्थिति बता रहा है, एक जियोग्राफिकल कंडीशन बता रहा है. बुक इज केप्ट अंडर द टेबल, तो इससे आपको ये पता पड़ रहा है कि बुक कहाँ है, बुक टेबल के नीचे है. व्हीकल वॉज मूविंग देयर, यानी व्हीकल कहाँ जा रहा है, व्हीकल वहाँ जा रहा है. वी हैव टू गो एट दैट प्लेस, यानी हमको उस जगह पर जाना है. तो इस तरीके से जब भी कोई एडवर्ब हमको किसी जगह की स्थिति के बारे में बताता है, वो हमारा एडवर्ब प्लेस और डायरेक्शन का होता है. तो इस तरीके से एडवर्ब्स हमारे कवर हो जाते हैं. एंड होपफुली ऑल द फाइव टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स मस्ट हैव बीन अंडरस्टूड वेरी इजीली बाय एवरीबॉडी. आप किसी भी चीज़ के बारे में अनक्लियर हैं तो यू कैन गो थ्रू दैट अगेन, और बहुत ही इजीली आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि सभी तरह के एडवर्ब्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन, एंड दैट इज वर्ब्स. वर्ब्स सभी को मालूम होते हैं कि वर्ब्स जो होती है वो क्रिया होती है, और क्रिया जो होता है वो सेंटेंस का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. तो व्हाई हैव वी फ्रेम्ड दिस लेसन, बिकॉज आवर ऑब्जेक्ट इज़ टू टेल कि वर्ब्स के क्लासिफिकेशंस क्या हैं, कितने तरह के वर्ब्स हैं, और हम कैसे इजीली उन्हें पहचान सकते हैं. सो यहाँ पर वर्ब्स के फॉर्म्स लिखे हुए हैं. द फर्स्ट वन इज़ बेस फॉर्म, यानी चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड. ये बेस फॉर्म वो होता है जिसको आपकी डिक्शनरी में देखते हैं, तो जो बेस फॉर्म होता है वो आपको डिक्शनरी में नज़र आएगा. ये एक रूट वर्ड भी होता है. दूसरा इन्फिनिटिव, यानी जिस भी वर्ब के पहले हम टू लगाते हैं तो वहाँ पर इन्फिनिटिव वर्ब हो जाता है, जैसे टू प्ले, टू गो, टू डांस. देयर आफ्टर थर्ड वन इज पास्ट टेंस. पास्ट टेंस भी हम सभी को लोगों को पता है. पास्ट टेंस होता है हमारा एक सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी रूट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल. तो पास्ट में प्लेड, विच इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ प्ले. पास्ट टेंस हमेशा सेकेंड फॉर्म होता है, हम उसको थर्ड फॉर्म कभी भी गलती से नहीं समझेंगे. तो ही प्लेड, आई एम सॉरी, दे प्लेड यस्टरडे, दिस इज पास्ट. एंड फोर्थ इज पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होती है, यानी दे हैव प्लेड. एंड आफ्टर दैट प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये वो होती है जिसमें सफिक्स आईएनजी का यूज़ होता है वर्ब में. तो दे आर प्लेइंग, ये जो चीज़ होती है ये आईएनजी ऐड होकर ही बनती है. इसके अलावा जेरंड भी आईएनजी ऐड होकर ही बनता है, लेकिन जेरंड एक नाउन होता है. हम हमेशा यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी जेरंड है तो उसमें आईएनजी ज़रूर होगा, और ये एक नाउन के तौर पर काम करता है. जैसे प्लेइंग इज़ एन एक्सरसाइज, इन द सेम वे वी कैन इवन टेक अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स एज वेल. स्विमिंग इज़ ऑल्सो एन एक्सरसाइज, वॉकिंग इज़ ऑल्सो एन एक्सरसाइज. सो इन दिस वे वी डू अंडरस्टैंड द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, जो कि हमारे छः तरह के होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि टाइप्स कितने तरह के होते हैं वर्ब्स के. वर्ब्स के टाइप्स होते हैं, पहला फाइनाइट वर्ब, यानी वो वर्ब जो डायरेक्टली एक सब्जेक्ट परफॉर्म करता है. जब भी एक सब्जेक्ट कुछ करता है तो वो फाइनाइट वर्ब के कैटेगरी में आता है. लाइक रोहन प्लेज इन द गार्डन, तो यहाँ पे रोहन खेल रहा है, तो रोहन प्लेज इन द गार्डन, तो ये चीज़ फाइनाइट वर्ब में है. ही इज़ गोइंग देयर, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी फाइनाइट वर्ब है. शी इज़ गोइंग, वी आर मूविंग, सो यहाँ पर शी एंड वी
ये सब्जेक्ट्स हैं। तो कोई भी चीज़ जो डायरेक्टली सब्जेक्ट्स के द्वारा परफॉर्म हो रही है और जो चीज़ सब्जेक्ट के नंबर चेंज हो जाने पे, सिंगुलर प्लूरल चेंज हो जाने पे चेंज हो जाती है, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स का। ये कभी भी सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल चेंज होने पे चेंज नहीं होती। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो एक्शन वर्ब्स नहीं होते, क्योंकि उनके पहले टू लगता है। ये एक तरह के सजेशन या एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है। एलेक्स वेंट टू प्ले, ये एक इंफॉर्मेशन है। प्लेइंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लेइंग यहाँ पे जिरंड है। वॉकिंग आफ्टर हैविंग मील्स इज नेसेसरी, यहाँ पर वॉकिंग जिरंड है। तो कोई भी चीज़ जो कि एक तरह से एक्शन वर्ब नहीं है वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। इसके बाद एक्शन वर्ब का नंबर आता है। एक्शन वर्ब वो होता है जो हमें ये साफ साफ बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। अब एक्शन वर्ब है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये हमें एक्शन वर्ब से मालूम पड़ता है। एक्शन वर्ब की कैटेगरी में दो कैटेगरीज की वर्ब्स होती हैं। फर्स्ट इज ट्रांजिटिव, सेकेंड इज इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसको एक्शन कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। और हम लोगों ने इंग्लिश में एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा, नहीं तो हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले होंगे, तो उसमें भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमेशा एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स का हो सकता है, इंट्रांजिटिव का नहीं हो सकता। ट्रांजिटिव को ही आप पैसिव फॉर्म में बना सकते हो, इंट्रांजिटिव को आप नहीं बना सकते। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव क्या है अलग अलग। आई पेंटेड द कार, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसका पैसिव आप बना सकते हैं, द कार वॉज पेंटेड बाय मी। शी हैज़ रेड द न्यूज़ पेपर, द न्यूज़ पेपर हैज़ बीन रेड बाय हर। तो इस तरीके से इनका पैसिव बन रहा है। आप लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और ये एक्शन वर्ब्स के अंडर में ही आती हैं। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं वो किस तरह की हैं। इन सेंटेंसेस को आप देखकर ही समझ सकते हैं कि इनका पैसिव नहीं बन सकता। शी वॉज डांसिंग ऑन द फ्लोर, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ही इज़ रनिंग ऑन द ट्रैक, शी स्माइल्ड लुकिंग एट हर फ्रेंड। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें ऑब्जेक्ट पर कोई एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। नाउ स्टैटिक वर्ब्स, स्टैटिक वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें वर्ब तो कोई ना कोई चल रही है लेकिन किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए इनको स्टैटिक वर्ब्स बोला गया है। तो स्टैटिक वर्ब्स क्या होती हैं? लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, बिलीव, अंडरस्टैंड, थिंक, नो, एटसेट्रा, ये भी वर्ब्स ही होती हैं, लेकिन स्टैटिक इसलिए बोला जाता है इनको, एक्शन इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है। आई लाइक द टी, तो लाइक यानी पसंद करना, ये एक वर्ब ही है लेकिन स्टैटिक वर्ब है क्योंकि यहां मोमेंट नहीं है। आई वॉज बिलीविंग ऑन हेम, शी वॉज स्मेलिंग द फ्लावर, आई नो वॉट यू वॉन्ट टू से। सो ऑल दीज थिंग्स वेरी क्लियरली एक्सप्लेन अस दैट देर इज नो मोमेंट इन्वॉल्व इन दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेज एंड हेंस दे कैन बी कॉल्ड एज स्टैटिक वर्ब्स। देर आफ्टर द चांसेस फॉर हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स हर एक को पता है हम में से, तो हम जस्ट एक ब्रीफ डिस्कशन उस पर करते हैं कि इनकी कैटेगरीज क्या है। इनकी फर्स्ट कैटेगरी है टू डू, यानी डू, डिड, डज, टू हैव, हैज़, हैव हैड, टू बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, सभी वर्ड्स का हम लोगों ने एक्सटेंसिवली यूज़ किया है अभी तक। इस लेसन में हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इनकी कैटेगरीज क्या हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, डू, डिड, डज, हैज, हैव हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन क्या होता है कि ये वर्ब के एग्जैक्टली पहले आती हैं और वर्ब को असिस्ट करती हैं, यानी वर्ब को हेल्प करती हैं, और इसी वजह से इनका नाम हेल्पिंग वर्ब होता है। तो देर आर द एग्जाम्पल्स दैट यू कैन रीड बिफोर योर आइज, दे आर रिटन ऑन द स्क्रीन, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन द प्रीवियस स्लाइड वी हैव mentioned here in our sentences। उसके बाद हमारा नंबर मॉडल वर्ब्स का आता है। मॉडल वर्ब्स भी एक तरह की हेल्पिंग वर्ब ही होती है, और मॉडल वर्ब से हमें ये पता पड़ता है कि किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, कैपेबिलिटी, ये सब क्या है, इन्हें भी वर्ब्स के पहले ही लगाया जाता है। सो हाउ आर द मॉडल वर्ब्स दैट वी कैन अंडरस्टैंड? Can, could, must, may, might, shall, should, will, would, ought to, etc. These words we must have studied so far. सभी लोगों ने ये words ज़रूर पढ़े होंगे, इन्हीं को हम model verbs के नाम से जानते हैं।
और मॉडल वर्ब्स बताती हैं कि किसी भी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है. इस तरह की इंफॉर्मेशन मॉडल वर्ब्स से हमें मिलती है. सो वी हैव यूज देम हेयर. आई मे वॉन्ट टू टॉक टू यू नाउ. यू मस्ट गो नाउ. यू ऑट टू हेल्प अदर्स. आई कैन नॉट लिफ्ट दिस चेयर. We could not deal with him. तो ये सारे के सारे words जो आप देख सकते हैं ये verb के पहले लगे हुए हैं और किसी भी तरह की संभावना को या किसी भी तरह की capability को बता रहे हैं. So these are the types of modal verbs. So with our modal verbs, our lesson on verbs is also over now. So hopefully it is clear to everybody. So in this lesson we have covered adverbs and verbs. So this lesson was about these two topics, which are the essential part of our parts of speech. You can get this lesson repeated and you can get each and every detail out of the given examples here. So in the next lesson and probably the fourth lesson and the last one of our parts of speech, we are going to cover the rest of the topics that are included in parts of speech. So aap ये सभी पार्ट्स पढ़ सकते हैं और बहुत इजीली आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि किस चीज़ को हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यों इन्वॉल्व किया है. सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू गेट विथ रेस्ट ऑफ आवर टॉपिक्स ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच. थैंक यू वेरी मच.